हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में, जो कि एक्सपोजर ट्रायंगल में एक्सपोजर, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, इन तीन चीजों का मिलाकर ट्रायंगल बनता है और एक्सपोजर कैसे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ मेक्स ए एक्सपोजर। तो दोस्तों एक्सपोजर, हमें परफेक्ट एक्सपोजर चाहिए। जो हम फोटो क्लिक करते हैं वो हमें परफेक्ट दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हमको ऑप्टिमल एक्सपोजर में कंपनसेशन वैल्यू जीरो रखना चाहिए। यदि आप नेगेटिव में रखते हैं, जैसा कि डिस्प्ले पर देख रहे हैं, तो अंडर एक्सपोजर आपको फोटोग्राफ्स मिलेगा, और अगर आप उसे प्लस में रखते हैं तो ओवर एक्सपोज्ड आपको फोटोग्राफ्स मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, आपका फोटो ना तो अंडर एक्सपोज हो ना ही ओवर एक्सपोज हो, ऑप्टिमल एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए। दिस इज ऑल नीड टू नो शटर, अपर्चर एंड आईएसओ। देन द कीप द लाइट मीटर एट जीरो फॉर ए बैलेंस्ड एक्सपोजर। एक्सपोज फॉर द लाइट टू बी एक्सपोज फॉर द लाइट्स टू नॉट ब्लो आउट द वाइट्स। दैट मीन्स दोस्तों कहने का मतलब सेम है, आपको अपना एक्सपोजर वैल्यू जीरो ही रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सपोजर में जब तीन चीजों का रोल है, अपर्चर का, शटर स्पीड का और आईएसओ का। तो अपर्चर की, अपर्चर एफ स्टॉप का उल्टा होता है। यदि हम कहेंगे कि एफ स्टॉप अगर ज्यादा है तो ओपनिंग ऑफ द लेंस कम होगा, और अगर ओपनिंग ऑफ द लेंस जितना कम होगा तो उसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा आपको, दैट मीन्स डार्कर ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, f1/4 में f1.4 है, उसमें कि आपको सेलो और डेप्थ ऑफ फील्ड ब्राइटर मिल रहा है और डेप्थ ऑफ फील्ड आपको सेलो मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है कि अगर सामने ऑब्जेक्ट है, फोरग्राउंड दैट मीन्स, और बैकग्राउंड है, यदि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों शार्प दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है दोस्तों डीप डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, जिसमें कि आपके एक्सपोजर में फुल फ्रेम अगर फोकस में है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगा। और यदि आपका ऑब्जेक्ट दैट मीन्स फोरग्राउंड ओनली फोकस है, बैकग्राउंड ब्लर है, तो उसको हम सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपर्चर से कैसे कोरिलेट होता है, फिगर में दिखाया गया है f2, f2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 पर कैसे वेरी करता है। यदि आपका एफ नंबर जितना ज्यादा है उतना ही आपका ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड है, एफ नंबर जितना कम है उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड आपका कम है, और ओपनिंग ऑफ द लेंस उसका उल्टा है। यदि एफ डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है तो ओपनिंग ऑफ द लेंस भी कम है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शटर स्पीड की। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितनी देर तक के लिए आपका शटर ओपन रहता है वो आपकी स्पीड को शो करता है, जो कि 1/2 सेकंड होता है, 1/4, 1/15, 1/60, दैट मीन्स 1 सेकंड का ये पार्ट होता है। इतने 1 सेकंड के इतने हिस्से के लिए शटर आपका रिलीज होता है। यदि आपका शटर ज्यादा देर तक के लिए ओपन रहेगा, दैट मीन्स लॉन्गर एक्सपोजर रहेगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट आपका ब्लर होने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन उसमें लाइट ज्यादा मिलता है। और अगर आपका शटर स्पीड हाई होगा, दैट मीन्स 1/1000 है, तो दोस्तों आपको शॉर्टर एक्सपोजर होगा और ऑब्जेक्ट आपको डार्क मिलेगा, तो इतना फास्ट ऑब्जेक्ट जाते हुए भी आपको वो ऑब्जेक्ट फ्रीज एक्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जैसे कि शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन देखा, आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शटर स्पीड मैच करना है, और अपर्चर भी उसी के रेस्पेक्ट में आपको ओपन रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आईएसओ के बारे में बात करते हैं। आईएसओ द सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर और द फिल्म टू द लाइट, लो आईएसओ टू यूज ड्यूरिंग डे टाइम, हाई आईएसओ ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो दोस्तों कहने का मतलब है लो सेंसिटिविटी टू लाइट, लो नॉइज होता है और हायर क्वालिटी मिलता है।
जितना ज्यादा आप आईएसओ को बढ़ाएंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइट, तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। यदि डे टाइम में आप ज्यादा आईएसओ को रखेंगे, आईएसओ वैल्यू को ज्यादा बढ़ा के रखेंगे, तो दोस्तों आपका फोटोग्राफ्स में ब्राइटनेस ज्यादा आएगा। तो दोस्तों इस और आपको डिटेल्स भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको डे टाइम में कम आईएसओ रखना है और नाइट टाइम में आप आईएसओ को बढ़ा सकते हैं। बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप ज्यादा आईएसओ बढ़ाएंगे तो नॉइस आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आपने ये तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में जाना, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ को। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं और एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करने पड़ते हैं, जिससे कि हमको जीरो वैल्यू का वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ प्राप्त होता है, जो कि आप देख रहे हैं एक्सपोजर में, जो कि जीरो वैल्यू पे ऑप्टिमल एक्सपोजर आपको मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।